हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट सैलेड। चलो बनाते हैं। पहले हम इस तरबूज के हिस्से पीस करेंगे, वो भी इस तरबूज के पीस का। चलो करते हैं। दूसरा शेप। चलो अब दूसरा शेप लेते हैं गाइस। Fly. तो गाइस, अब मैंने इसका बेस पहले से ही बना के रखा है। इस फ्रूट सैलेड कि मैंने पहले से बेस बना कर रखा है। चलो बनाते हैं अब इसके अंदर का बेस। पहले हम लेंगे कैरेट्स। आपको ऐसे कटे हुए कैरेट्स चाहिए। देखो, आपको इसके अंदर इसको रखना है। इनको आपको रखना है अब इनकी इस प्लेट के अंदर, फ्रूट सैलेड के प्लेट के अंदर आपको इन्हें रखना है। आपको इसे पूरा भर देना है। तो दोस्तों, हमारा बन गया है अंदर का बेस, वो भी फ्रूट सैलेड केक का अंदर का हमारा बेस बन चुका है। चलो अब हम बटरफ्लाई बनाएंगे। देखो, आपको ऐसे दो मौसम भी चाहिए। आपको उन्हें एक साथ ऐसे रखना है। आपको उन्हें ऐसे रखना है और फिर उनके बीच में एक ककड़ी की एक डंडी डाल दी है। फिर आपको इसे थोड़ा आगे सरकाना है, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ही करना है, एक बार इधर के साइड में। अरे, आपको फिर पहले ऐसे करना था। आपको पहले ऐसे करना है, ऐसे। आपको पहले ऐसे करके ऐसे करना है, फिर बाद में ऐसे लगा देना। फिर से एक बार ऐसे ही करना है। हम फिर से बनाएंगे। इनको ऐसे ऐसे रखना है। अब हम दोस्तों, अब हम एक अलग बटरफ्लाई बनाएंगे, वो भी कीवी से। देखिए, आपको दो कीवी चाहिए। आपको दो ऐसे कीवी चाहिए। आपको उन्हें रखना है ऐसे, और आपको उसे ऐसे रखना है। उन्हें ऐसे रख देना है। उनके ऊपर ये रखना है, ये फ्रूट रखना है इनके इधर, इनके टॉप पर। ऐसे ही फिर से बनाना है हमें।
आपको देखिए, आपको मैंने इसका एक ये देखिए, मैंने एक टर्टल बनाया, ये देखिए ये एप्पल से मैंने इसका ये बॉडी बनाई है, इसकी शील्ड। फिर मैंने ना फिर इसको इसका ये बनाया, लॉन्ग, मेरे लॉन्ग की दोनों आंखें बनाई है, और खीरे से इसका मुंह बनाया है, और मैंने ना गाजर के ना इससे ना इसके लिप्स बनाई है। आपको इसे सेंटर में रखना है ऐसे, फिर बाद में आपको इस बहुत सारी बटरफ्लाईज रखनी है इसके अंदर, बहुत सारी अलग अलग बटरफ्लाई। और आपको एक चेरी का ये एक ट्री बनाना है, आपको चेरी का एक ट्री भी बनाना है। कैरेट का आपको ये ऐसे लेना है एक, और दो कीवी का एक जैसे सेम टू सेम पार्ट लेना है, वो इस हाफ सर्कल जैसा। फिर उसका उसके बाद क्या करना है बताओ? फिर उसके बाद उस ये उसके पेड़ की डंडी बनेगी, और फिर जो होगा ना वो पेड़ की लीव्स वो बन जाएगी, कीवी से उसकी लीव्स बनेगी, और जो ये होंगे ना इनसे ना उसके एप्पल्स बनेंगे। चलो बनाते हैं इसको भी। अब हम एक झाड़ी बनाएंगे छोटी सी। आपको पहले एक ऐसा हाफ सर्कल लेना कीवी का, फिर आपको उसके एक ऐसा रखना है, उसके ऊपर एक और रखना है, फिर आपको उस पे ना उसके ऊपर थोड़ी मौसम्बी चाहिए, तभी से आपको उसके ऊपर मौसम्बी रखनी है ऐसे, दो दो आपको मौसम्बी रखनी है मौसम्बी। फिर आपको क्या करना है उसके थोड़े ना उसके ना बीच के पार्ट में ना ऐसे लाइन लाइन में ऐसे भर देना है, और फिर इसके ना इधर ना ऐसे ना थोड़े थोड़े डाल देने हैं, इधर उधर दो ऐसे रख देने हैं आपको इसे। फिर बाद में आपको इधर के एक अलग वाले इसमें आपको दो एप्पल्स के पार्ट्स लेने हैं ऐसे वाले। फिर आपको क्या करना है उसको ना ऐसे रखना है, उसके ऊपर कीवी का पार्ट, फिर उसके बीच में एक आपको होल रखना है, इसलिए एक स्टैंडिंग लाइन और एक आधे आपको उधर अनार के दाने रखने थोड़े से। फिर आपको वहाँ पे लकड़ी की लाइन रखनी है वाली, जिससे हमने पेड़ बनाया था, फिर आपको उसे ऐसे रख देना है। फिर बाद में दो खीरे के दो पार्ट्स लेने, दो खीरे लेने हैं छोटे छोटे, आपको उससे इधर ऐसे उधर के इस साइड में ऐसे रख देना है, और फिर बाद में एक मौसम्बी लेनी है, उसे तोड़ना है, फिर इसको उसके ना इधर में रख देना है। फिर आपको उधर एक एप्पल का पार्ट फिर से रखना है, उस मौसम्बी के पार्ट के नीचे में आपको एक एप्पल का पार्ट रखना है। फिर बन गया हमारा एक अनार ट्री, अनार के दाने ऐसे डालने हैं, और फिर इसके अंदर अनार के दाने ऐसे डाल देने हैं अलग ऐसे ऐसे, इस टर्टल के दूर दूर, इस टर्टल के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, इस टर्टल के ऊपर नहीं डालना है, उसके ना जो फ्लावर्स है ना उनके ऊपर डालना है। ककड़ी के ऊपर आपको डालना है,
और फिर बाद में आपको उन उन जो हमने जो एनिमल्स बनाए थे उन्हें रखना है। देखिए हमने ये वाला बनाया था क्या? वी शेप। वी शेप ये है, वी शेप ये है वी। आपको इसे यहाँ पे इधर लगाना है और ये है हमारी फिश। आपको भी उस वी के बाजू में लगा देना है। और ये क्या? ट्री। और ये हमारा ट्री है। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाना हाँ। आपको उसे फिश के बाजू में रखना है। फिर आप हमने जो क्या हम, हमारी जो सेकंड फिश है, जो हमने सेकंड फिश बनाई थी, ये वो ही डॉल्फिन है। आपको उसे ट्री के बाजू में बटरफ्लाई। और ये है हमारी बटरफ्लाई। बटरफ्लाई देखिए देखिए बटरफ्लाई। आपको इसे डॉल्फिन के बाजू में रखना है। और आपको ये देखिए, आपको फिर से एक वी चाहिए और आपको एक फिर से एक वी चाहिए। आपको वी के पीछे में रखना है और फिर एक एक फिर से उस वी के बाद में एक और वी रखना है। आपको एक बड़ी प्लेट लेनी है, बस बड़ी सी इतनी सी। मेरी प्लेट थोड़ी छोटी है इसलिए ना आखिर का वी नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे बटरफ्लाई के पास लगा दिया ये वाले। Now finish. Now, अब हमारा बुन चुका है। चलो अब हम इसका फोटो निकालेंगे।